तो सोशल मीडिया पर विवादित बयान का ट्रेंड सा चल पड़ा है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक कोई इसमें पीछे नहीं है, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया पर किए गए विवादित कमेंट गले की फांस बन जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया अभिनेत्री पायल रोहतगी का। नेहरू पर की गई विवादित टिप्पणी पायल को भारी पड़ गई और उन्हें इसके लिए जेल भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर विवादित कमेंट लाइमलाइट में रहने का एकमात्र तरीका है क्या? सेलिब्रिटीज को अपने बयानों को लेकर थोड़ा और जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? देश के आदर्श रही शख्सियतों का अपमान क्यों? जवाब तो देना पड़ेगा। तो चलिए आज चर्चा इसी विषय पर है कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी निभाए, क्या सेलिब्रिटीज जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, इस तरह के कमेंट करके आखिर मिलेगा क्या? कई सारे सवाल है। सबसे पहले आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ प्रतीक कासीवाल जी हैं, एडवोकेट हैं, चिरमेश शर्मा जी हैं, परिवादी हैं, शबा खान कांग्रेस नेता हैं और मानसी बछानी मॉडल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा सबसे पहला सवाल मानसी जी आप ही से है, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप लोगों को मैम कई सारे लोग फॉलो करते हैं, कई बहुत बड़े मैसेजेस जाते हैं आप लोगों के थ्रू, आपका एक सवाल और आपका एक जवाब कई लोगों को कई सारी प्रेरणा दे देता है, लेकिन जो पायल रोहतगी ने जिस प्रकार का बयान दिया या कोई भी सेलिब्रिटी अगर कुछ बयान देता है तो जिम्मेदारी तय होगी मैम उसकी, या आप अगर सेलिब्रिटी तो आप कुछ भी कह सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोई इंसान एक सेलिब्रिटी बन जाता है, एक पब्लिक फिगर बन जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बल्कि बढ़ जाती है समाज के प्रति। वो जो बोलता है उसका असर हर किसी पे होता है, क्योंकि लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बातों को सही मानते हैं, कई लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं अपना। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले एक आम आदमी तो सोचता ही है, पर एक सेलिब्रिटी को हद से ज्यादा सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसका असर पता नहीं समाज के कितने कितने लोगों पर पड़ेगा। चलिए ये बात सही है कि समाज के कितने लोगों पर पड़ेगा। प्रतीक जी, तो आम आदमी जो होते हैं, कई बार हमने इस तरह के केसेस देखे हैं, चाहे वो पीएम मोदी को लेकर फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट हो, उसमें एमडीएम के पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ था, और भी कई सारे ऐसी सीरीज है, आम आदमी पे तो सर कार्यवाही हो जाती है, लेकिन क्या वजह है कि सेलिब्रिटीज इन चीजों से पीछे रह जाते हैं, और आज जो हुआ है क्या वो आगे चल के एग्जाम्पल सेट करने में कामयाब होगा? देखिये, कोई भी नजीर जो बनती है उसके लिए कानून की आपको विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर कार्रवाई किस कानून का वायलेशन किया गया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, 2012 के अंदर जब बाल साहब ठाकरे की डेथ हुई तो पालघर केस के नाम से केस फेमस हुआ, जहां दो महिलाओं ने एक ट्वीट किया, फेसबुक पे एक मैसेज दिया और दूसरे ने लाइक किया कि ये सब गलत हो रहा है, बम्बई गलत तरह से बंद हो रहा है, और उनको 66A के तहत गिरफ्तार किया गया। जब कोर्ट के सामने मसला गया कि IT एक्ट के अंदर 66A में क्या किसी को कुछ बोलने से रोका जा सकता है, और अगर है तो क्या कानून का वायलेशन है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ही स्ट्रक डाउन कर दिया। तो अब प्रश्न ये आता है कि इनके द्वारा जो बोला गया वो सही है या गलत, वो एक चीज है, बट जिसके तहत कार्रवाई करी गई है वो क्या सही है या गलत, क्योंकि जितना न्यूज से पता चल रहा है 66 और 67 आईटी एक्ट के प्रोविजन को लगाया गया है। मेरा मानना है कि वो प्रोविजन इस पर लगते ही नहीं है कायदे से। अब प्रश्न वापस से पूरा आता है कि जो बोला गया, और एक सेलिब्रिटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक सेलिब्रिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मेरा मानना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के साथ साथ अपने आप को बचाने के लिए एक राइडर रखा। जब हम YouTube पे वो देखते हैं वीडियो, तो वो एक ऑटोबायोग्राफी का हवाला देते हुए कि गूगल पे मुझे ये चीज इन्फॉर्मेशन मिली और मैं अपने शब्दों में इसको शेयर कर रही हूँ। अव्वल तो ऐसी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो जो किताब की बात कर रही है वो बैंड है। तो अगर वो तथ्य जब तक कि सरकार के द्वारा छूट नहीं दी गई पढ़े जाने की या बोले जाने की, नहीं किया जा सकता था, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है वो गलत किया गया है। बट पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है जिन सेक्शंस के तहत, वो भी गलत है। तो हमें कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, चलिए बैलेंस करना जरूरी है। शबा खान जी जुड़ गई है हमारे साथ, जुड़ी हुई है लगातार। शबा जी, क्या लगता है आपको, अभिव्यक्ति की आजादी तो हमारा देश हमें देता है, लेकिन जरूरत आ गया क्या? मैं सिर्फ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, या चाहे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हो, जब हम उनके बारे में मैम कुछ भी कहते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, बात देश की होती है, तो ऐसे में एक दायरा तय होना बहुत जरूरी है क्या? तो
लोगों को जाने बिना या आपको कानून की नॉलेज नहीं है तो आप बोल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि सेलिब्रिटीज़, अभी मेरे से पहले भी बोलने वालों ने बोला कि सेलिब्रिटीज़ का मतलब ये होता है कि आप या तो कोई आपको आइडियल मान रहा है या कोई आपके हेयर स्टाइल को चूज़ कर रहा है, मतलब आपको एक दुनिया के सामने अगर आप आ रहे हैं तो आप एक मिसाल बन जाते हैं दुनिया के सामने आने के बाद, लेकिन आप उल्टी सीधी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? और आप अपने प्रोफेशन से मतलब रखिए ना, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या आ रही है? और ऐसे ऐसे महान लोगों के लिए जिसकी वजह से देश ने तरक्की करी है, जिसकी वजह से देश ने एक उन्नति के पथ पर अपने आप को साबित किया है, उन लोगों के बारे में आपको बोलने की ज़रूरत ही क्या आ रही है? मैं तो कह रही हूँ आप किसी का भला नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, तो चुप तो रह सकते हैं ना आप? तो ये बिल्कुल गलत किया उन्होंने, और ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल सही हुई है, ताकि आइंदा लोगों को इबरत हासिल होगी, बोलने से पहले लोग सोचेंगे कि किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप भी अगर राय रखना चाहते हैं अपनी और आपको लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो किस प्रकार से होनी चाहिए, तो आप भी हमें कॉल कीजिए और आप अपने रिएक्शन में दे सकते हैं। चिन्मेश जी परिवादी हैं। चिन्मेश जी, आपको ऐसा लगा कि इस पूरे मामले में सामने आना चाहिए और जो हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारी तो सबकी है, चाहे वो एक आम आदमी हो या सेलिब्रिटी हो। आप कुछ भी कहते हैं करते हैं, लेकिन देश की अस्मिता और देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल नहीं उठने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, उनके प्रति बहुत ही अभद्र, अमर्यादित, अतार्किक, अशिष्ट व अश्लील शब्दों का प्रयोग पायल रोहतगी ने किया और उसका वीडियो उन्होंने बनाकर डाला। उसमें उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी। जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए त्याग, तपस्या व बलिदान किया, वो प्रत्येक भारतीय के लिए सम्माननीय है। देश का स्वतंत्रता का संग्राम दोबारा नहीं लड़ा जाएगा। हमें आज नहीं, आने वाले 100 वर्ष तक, 1000 साल तक, 10000 साल तक स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को अक्षुण्ण रखना होगा, उनकी गरिमा की रक्षा करनी होगी। पायल रोहतगी जी ने जो कहा कि मोतीलाल नेहरू जी के 5 पत्नियां थी और कमला नेहरू जी के मैं बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने स्वदेशी जागरण अभियान चलाया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। नेहरू जी की धर्म पत्नी थी, कश्मीरी कोल ब्राह्मण परिवार में एक धार्मिक महिला थी, वो जेल में गई, 37 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, उनको इलाज नहीं मिल पाया, नेहरू जी जेल में थे, और उनके ऊपर आरोप लगा दिया, उनके चरित्र पर गंदे, अश्लील, अभद्र ऐसे सवाल उठाए कि मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता ना आप सुन पाएंगे। उस फेसबुक पे छोटे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं, कई युवा नौजवान पीढ़ी देखती है, उनको आप समझाएंगे अश्लील संबंधी इस स्वतंत्रता सेनानी केस से, कितनी गंदी बात है। एक भारतीय सोच भी नहीं सकता जो बात उन्होंने अपने मुंह से कह दी। और नारी का तो पदवी बहुत बड़ी है, नारी को तो गरिमा रखनी चाहिए कोई भी चीज को बोलते हैं, तो एक नारी इस तरह की बात। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं चरमेश जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को जरूर समझें और जब कुछ भी डिलीवर करें तो ये कोशिश करें कि उससे देश का कुछ भला हो। मानसी जी देखिए, सवाल ये है कि जब आप कुछ कहते हैं, जब आप कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो बीइंग अ सेलिब्रिटी आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम एक अच्छा मैसेज डेवलप करें, हम देश के लोगों में एक सही तरीके से मैसेज दें। लेकिन जिस प्रकार से ये तमाम चीजें हुई है उससे लगता तो नहीं है कि कुछ भी अच्छा मैसेज जाता है। तो चलिए, लगातार हम जवाब तो देना पड़ेगा में चर्चा इसी विषय पर कर रहे हैं कि क्या सेलिब्रिटीज जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि देखिए जब आप बीइंग अ सेलिब्रिटी कुछ कहते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी कि आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और देखिये, जो सवाल है मेरा सर आप ही से है कि प्रतीक जी, सर क्या लगता है आपको कि किस तरह के कानून हो सकते हैं और जिस तरह की पहल की गई है वो किस तरह से नजीर बन पाएगा, किस तरह की मिसाल पेश कर पाएगा? देखिए, एक चीज़ बड़ी अजीब है, हमारे संविधान में एक बड़ा अच्छा सा अधिकार दे रखा है जो मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट बोलते हैं, वो है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। और मेरा मानना है ये अधिकार का ज़्यादातर दुरुपयोग होने लगा है और खासकर सोशल मीडिया पे। यस सर, आपने जो पहली चीज़ कही थी कि सेलिब्रिटीज़ के ऊपर एक ज़्यादा बर्डन कास्ट अपॉन होता है क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि जो एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस संविधान ने लगा रखे हैं उसके दायरे में ही उनके द्वारा कोई भी
जो YouTube पे दिए या कोई भी सोशल मीडिया पे उनके द्वारा कमेंट दिया जाए वो उस दायरे के अंदर ही हो। इस पर्टिकुलर केस में मेरा मानना है कि जो पायल रौतगी द्वारा किया गया है वो उनके पेशे से कहीं भी रिलेटेड नहीं था। कोई ऐसी जरूरत नहीं आई थी कि उनको इस पर्टिकुलर इशू पे एक YouTube पे अपना वो देना पड़े क्लिप, क्योंकि कभी कोई ऐसा इशू हो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सरकार ने कोई नीति बनाई है, उस पर आदमी अपना विचार विमर्श करे, तो वहाँ तक तो समझ में आता है कि मेरे एक इंडिपेंडेंट विचार हैं और मैंने वो विचार जो है अपनी इस राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच को यूज़ करते हुए दिए और इसको कर्टेल नहीं करना चाहिए। ये एक पब्लिसिटी स्टंट तरह की चीज है जो कि आपने एक पर्टिकुलर इशू जो कि जिसको लोग सुने देखें उसके से रिलेटेड अपनी एक यूट्यूब पे बना करके फ्लोट किया, लोगों की लाइकिंग या लोगों की फॉलोइंग होने लगी। तो मेरा मानना है वो चीज जो है गलत है। बस सिर्फ इतना सा है, कानून के जो दायरे हैं जहां पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है वो, क्योंकि 66A अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट असाइड कर दिया, 66-67 के अंदर ये पर्टिकुलर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें ऑब्सिनिटी और वो सारे शब्द और 43 का वायलेशन है। अगर हम इसको टेक्निकली देखें वो गलत है, बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या ये पायल रौतगी द्वारा जो किया गया है वो सही है और क्या ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, मेरा मानना है बिल्कुल गलत है और ये हमें इस पर्टिकुलर संविधान के अनुच्छेद को मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो आपको बहुत सही तरीके से यूज करेंगे और उसी लिए वो अधिकार आपको फंडामेंटल राइट के तहत दिए गए। बिल्कुल। तो शोभा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शोभा जी क्या लगता है, देखिये जिस प्रकार की बात कही है प्रतीक जी ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की आजादी हम बात करते हैं उसकी, कि हमारे देश में ये आजादी मिली है कि हम अपनी भावनाओं को, हम अपने विचार को सामने रख सकते हैं, लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि हम सब मिलकर इन चीजों पर भी एक दायरा रखने की कोशिश करें कि भविष्य में भी इस तरह का, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष के हो, किसी के भी बारे में इस तरह की बात बोलने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचे कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। जी, आपने कहा खुशबू अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए और ये हर व्यक्ति का मौलिक दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, हक भी मानती हूँ मैं इसको, लेकिन इस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम बोलें तो सेलिब्रिटीज़ को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका मानस पटल पर असर होता है, और छोटे बच्चों से लेकर यंग से लेकर के, क्योंकि बुजुर्ग तो चलो सब कुछ समझते हैं लेकिन जो बच्चे और यंगस्टर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में इतिहास इतना अच्छा बोल रहा है, उसकी सच्चाई बयान कर रहा है, कुर्बानियाँ उनकी आपके सामने हैं, उनकी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनकी सहयोग है, आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं, वो उन लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो हम लोगों को तो दिल से उन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हम सबका एक, मैं पार्टी से बहुत अलग हटकर बात कर रही हूँ कि हम सबको दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जो खुली सांस ले रहे हैं वो उन्हीं लोगों की बदौलत ले रहे हैं। तो हमें बदतमीजी करने का या अभद्र टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। चाहे किसी के लिए भी हो, आपको कोई हक नहीं बनता कि अभद्र टिप्पणी करें या किसी के बारे में उलझल उल बातें कहें। कहना है तो आप अच्छी तरह कहिए, उनकी सच्चाई बयान कीजिए, तो लोग आपके लिए भी अच्छा इमेज बनेगी और लोगों के सामने एक आइडियल आप पेश होंगे। बिल्कुल। तो मानसी जी, आपको लगता है कि ये वक्त ऐसा है जब सोशल मीडिया के थ्रू आप कई सारे लोगों को एक साथ एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, ऐसे वक्त में जो पायल ने जिस प्रकार की भाषा का और जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके एक वीडियो शेयर किया, क्या लगता है इसके पीछे मानसिकता क्या है? क्योंकि देखिए इससे कुछ भला होने वाला तो है नहीं। जो हमारे युवा वर्ग, जैसा कि मैम भी कह रही थी, शोभा जी भी कह रही थी, कि बहुत बड़ा वर्ग जो आप लोगों को फॉलो करता है बहुत कुछ सीख सकता है, तो इससे सीखेगा क्या, मैसेज क्या जाएगा इस तरीके से? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की इंसल्ट करें, वो भी ऐसे लोग जिनका हमारे देश में इतना सम्मान है, जिन्हें हमारे देश में इतना पूजा जाता है एक तरीके से, उनके बारे में हम ऐसी बदतमीजी भरी बातें करें तो वो कोई सेंस नहीं बनता। और ऑल ऑफ अ सडन आप गूगल करते हैं किसी की हिस्ट्री के बारे में और आप उसके बारे में बोलने लग जाते हैं, पर क्यों, क्या रीज़न था इसका? साफ एकदम साबित होती है ये बात कि सिर्फ लाइमलाइट के लिए हो रहा है और कुछ भी नहीं है ये। प्लस वो जैसे सहारा ले रही हैं गूगल का कि मैंने गूगल करा, उस पर मुझे दिखा इसलिए मैंने ये कहा, पर गूगल पे हर कोई जानता है कि कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल पे है तो वो 100% श्योर है कि बिल्कुल सही बात होगी, कि आप उसको यूज़ करके कुछ भी कह रहे हैं। गूगल पे हो या कुछ भी हो, आप एक सेलिब्रिटी हैं, यू शुड हैव सम सेंस कि आपको क्या चीज़ पब्लिकली बोलनी है, क्या करनी है। वो कई लोगों की भावनाएं उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती हैं जो बहुत हर्ट हो सकते हैं।
ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कुछ भी कहें तो उसके पीछे एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं और आपको कई सारे लोगों ने वो प्यार दिया हुआ है। प्रतीक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था सर कि कैसे इन चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि सर सोशल मीडिया है, एक मिनट में कुछ भी चीजें वायरल हो जाती हैं। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन चीजों को एक दायरे में समेट सकें, हम एक लिमिटेशन तय कर सकें? आपका बिल्कुल कहना जो है सही है कि ये एक दायरा बनना ज़रूरी है, क्योंकि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, हम संविधान से ही चलते हैं जो हमारे देश के लिए एक बाइबल है जिससे सारे कानून चलते हैं, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उस फ्रीडम्स ऑफ स्पीच के अंदर होनी चाहिए। और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का समय आ गया है लगने का, क्योंकि कोई कुछ भी बोल रहा है और उससे क्या असर होता है। आप ये देखें कि जितने भी देश में अभी विवादित काम हुए, उसमें सबसे पहले उस स्टेट के अंदर इंटरनेट को बंद किया गया और उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग जो वहां बैठे बैठे क्या खबर देते हैं हम पहले ही सुनते थे, एक कान से जब तक दसवें कान तक जाती है बात डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसी तरह ये तो ऐसा मीडियम है जहां सेकंड्स के अंदर पूरे दुनिया के अंदर वो बात चले जाती है, तो एक उसके अंदर आपका उतना ही आप पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि आपके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही चाहिए और एक दायरा तय करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, सवाल यही है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक जिम्मेदारी भरे पद पे हैं, कम से कम ये भी कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते सुनते हैं। ऐसे में जब आप कुछ भी कहते हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ कहें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।